पुरातनपुर गांव एक ऐसा गांव है जहां पर एक भी शौचालय नहीं है। वहां रहने वाले लोग आज भी खुले में शौच करते हैं, और वो ऐसे खुले में शौच करने को अपनी एक परंपरा समझते हैं। गुलाटी का बेटा बचपन से शहर में रहकर पढ़कर आया था, इसलिए उसे इसे खुले में शौच करने की आदत नहीं थी। इसलिए उसने घर पहुंचते ही अपने लिए एक शौचालय बनाया था। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उनका बर्ताव कुछ ऐसा था। अरे वो गुलाटे, सुना है कि तेरे बेटे ने घर के अंदर ही शौचालय बनवा लिया है। ये तो वही बात हुई, जिस ताली में काओ उसी ताली में सोच कर ही उल्टी हो रही है। बात तो सही है रंगा, मैं गुलाटी की जगह पर होता तो इतनी बातें सुनने के बाद घर पहुंचकर सबसे पहले घर को शौचालय से घर बनाता। इसे ना अपने पुरखों की इज्जत की फिक्र है, ना ही खुद की। वो बातें सुनकर गुलाटी बहक जाता है और घर पहुंचकर अपने बेटे संकेत से झगड़ा करता है। तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही दोस्तों से बेइज्जती होना पड़ा है। घर को शौचालय बना दिया है तुमने, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, कल सुबह तक मेरे घर के अंदर वो शौचालय नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए गुलाटी वहां से चला जाता है। कल तक जिसके पिता चुपचाप और शांत थे, आज अचानक से वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है? इस बात का पता लगाने के लिए संकेत गांव में एक बूढ़े शख्स से बात करता है। दादाजी, इस गांव में एक भी शौचालय क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रकृति के साथ मिलकर जीना पसंद करते हैं। इतने बड़े जंगल और नदियों का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारी परंपरा है। आप सब तो मर्द है, ठीक है, लेकिन महिलाओं का क्या? वो खुले में कैसे? मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। तुम शहर वाले मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। सुबह हमारी लोटा पार्टी होती है और शाम को महिलाओं की डिनर पार्टी होती है। हम सुबह सुबह जंगल नदी दोनों इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं सिर्फ जंगल। संकेत कहता है कि रात के वक्त तो जंगल खतरनाक होते हैं। पता नहीं कौन से जानवर किस तरफ से आ जाते। उस बूढ़े आदमी के पास संकेत की इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए गुस्से में अपनी आंखें लाल करके वहां से चला जाता है। इस गांव वालों ने आज से पहले कभी भी शौचालय इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए ये ऐसे बातें कर रहे हैं। मैं कल गांव में एक पब्लिक टॉयलेट बनवाता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि ये लोग उसे कैसे इस्तेमाल किए बिना रहते हैं। ऐसे कहते हुए संकेत अगले दिन एक मिस्त्री को बुलाकर खुद के पैसों से गांव में एक पब्लिक टॉयलेट बनवाता है और गांव में सभी को उसके बारे में बताता है। वो मूर्ख इस बात से खुश होने की बजाय गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, तुम हमारे गांव और पुरखों की परंपरा को मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है? गुलाटी के बेटे, 4 क्लास शहर में पढ़ने से तुम हम सबको बेवकूफ बनाने पर तुला हुआ है। सही कह रहा है बानिया तू। इस गुलाटी के बेटे को इसी की भाषा में जवाब देते हैं, चल। ऐसे कहते हुए रंगा, बनिया और बाकी के गांव वाले मिलकर उस पब्लिक टॉयलेट को पूरा बनने से पहले ही तोड़ देते हैं। एक पब्लिक टॉयलेट के लिए गांव वाले इतना गुस्सा क्यों हुआ?
ये बात संकेत को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि शौचालय के लिए पूर्वकों की परंपरा के बारे में सिर्फ मूर्ख ही बात करते हैं। आज गांव में जो भी हुआ उससे मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ पिताजी। मैं हैरान हूँ और भ्रमित हूँ कि ये एक शौचालय के लिए इतना गुस्सा क्यों? क्या इसके पीछे कोई वजह है? संकेत के पिता उसके सवाल पर जवाब देने तो दूर की बात है, वो उसकी तरफ पलट कर भी नहीं देखते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। संकेत को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो भी चुप हो जाता है। तभी संकेत की माँ आकर, दुखी क्यों होते हो बेटा? तुमने जो भी किया सबकी भलाई के लिए किया था। इधर आओ मेरे पास बैठो, मैं बताऊंगी तुम्हें इन गांव वालों को शौचालय क्यों पसंद नहीं है और ये खुले में करना इतना क्यों पसंद करते हैं। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में। मीनाक्षी वैसे तो काफी सुंदर है और उसे घने बाल भी है और अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहती है, लेकिन उसके सुंदर घने बाल दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। मीनाक्षी अपने टूटते बालों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। क्या बात है मीनाक्षी, तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। मैं डॉक्टर्स की हर बात मान रही हूँ, सुबह शाम सर पर तेल लगा रही हूँ, शैम्पू कम इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने नाखून रगड़ रही हूँ, फिर भी कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तुम चिंता करना छोड़ दो मीनाक्षी, चिंता करने से भी ऐसा ही हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे मीनाक्षी के पति समझा कर हिम्मत देते हैं, लेकिन देखते ही देखते मीनाक्षी के सारे बाल झड़ जाते हैं। ये बात दुनिया के किसी भी शख्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होती है। मीनाक्षी जहाँ पर भी किसी काम से अपने बेटी को साथ लेकर जाती थी, सब उन्हें एक ही सवाल करते थे। क्या आपको कैंसर है? आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। ऐसी बातें सुनकर मीनाक्षी को काफी दुख होता था और वो अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी थी, इसलिए जरूरत पड़ने पर भी बाहर नहीं निकल रही थी। वो बात मीनाक्षी की बेटी विद्या को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए एक दिन सुबह उठकर विद्या अपने सर के सारे बाल काट लेती है और डोनेट कर देती है। जब ये बात मीनाक्षी को पता चलती है तो मीनाक्षी अपनी बेटी से ऐसा करने की वजह पूछती है। तब विद्या अपनी माँ से ऐसा कहती है, माँ मैं आपको और बाकी के सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि खूबसूरती सिर्फ रंग रूप या अच्छे बालों से नहीं होती है, खूबसूरती सच्चे और अच्छे मन से होती है। जिस दिन ये बात आपको और ऐसी मुश्किल से गुजारने वालों को पता चलेगी, आप सब घर से बाहर निकलोगी। उसकी बेटी उसके लिए इतना सब कर रही है, ये देखकर मीनाक्षी बहुत खुश होती है और उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है। उसके बाद से मीनाक्षी पहले जैसे लोगों के बीच घूमने फिरने लगती है और कोई कुछ कहे तो वहीं पर अच्छे से जवाब देकर आती है। अपनी माँ के अंदर इतना सारा बदलाव देखकर विद्या उसकी माँ की तरह परेशान हो रहा हर इंसान की मदद करने के लिए हर हफ्ते में एक बार अपने बाल कटवा कर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक फोटो लेकर डालती है और उस फोटो के साथ एक हिम्मत देने वाला एक मैसेज भी लिखती है। मेरी एक ही सोच ने
मेरी माँ के अंदर का आत्मविश्वास बढ़ गया है। मैं और जितनी कोशिश कर सकती हूँ उतनी कोशिश करती रहूंगी। ये सिर्फ मेरी माँ से खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी विद्या हार नहीं मानती है और धीरे धीरे उसके इस काम में लोग जुड़ने लगते हैं और उसी की तरह अपने बाल पूरी तरह से कटवा कर फोटोस लेकर विद्या को भेजते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं सुधरते हैं। सुना है तुम टकले लोगों की मदद कर रही हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम खुद की मदद कर रही हो, भविष्य की टकली। मैं तुमसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। तुम्हें जब भी लगे कि अब बस बहुत हुआ, तब तुम अपने इस विक को निकाल कर फेंक सकते हो। खुलकर जीने सीखो मेरे दोस्त। तब उस आदमी को एहसास होता है कि कोई चीज छुपाने से नहीं छुपती है और जो सच्चाई है हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बेहतर लग रहा है और सुकून मिल रहा है। मैं थक गया था अपने आप को इस विक के पीछे छुपाकर। ऐसे वो शख्स भी अपने डर को पीछे छोड़ देता है। ऐसे एक एक करके विद्या जिस जिस की मदद कर सकती है उन सब की मदद करती जाती है। वो देखकर विद्या के पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है और ये सब उसने अपनी माँ के लिए शुरू किया था कहकर वो भी उसके सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं और गांव में एक स्पीच का इंतजाम करता है। मैंने ये काम अपनी माँ के लिए शुरू किया था, लेकिन ये बात अब सिर्फ मेरी माँ की नहीं है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा और समझाना होगा कि खूबसूरती खूबसूरत बालों से या खूबसूरत चेहरे से नहीं होती है। खूबसूरती अपनी अच्छाई और सच्चाई से होती है। एक कदम मैंने बढ़ाया है, एक आप भी बढ़ाइए। विद्या के बाद से लगभग सभी लोग सहमत होते हैं और एक एक करके लोग अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। हम तो हमारी तरफ से अपनी कोशिश कर रहे हैं और आप भी असली खूबसूरती मतलब इनर ब्यूटी को पहचान कर सपोर्ट कीजिए।